हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसेवरी मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आप सबको पता है इस समय का जो सिचुएशन है बहुत ही बुरा है। कैसे बुरा है? कई लोग जॉब में हैं तो उनको जबरदस्ती ज्यादा काम कराया जा रहा है, छुट्टियां उनकी बंद कर दी गई है कि छुट्टी लोगे तो पेड छुट्टी मिलेगी आपको, पैसे कटेंगे आपको। कई जगहों पे ये सिचुएशन है कि लोग बोल रहे हैं कि अब तक लॉकडाउन है, आपको घर पे रहना है, जब काम स्टार्ट होगा तब आइएगा, तब आपकी सैलरी कंटिन्यू होगी। कई लोगों को कुछ अमाउंट दे दिया जा रहा है और बोल दिया जा रहा है कि इस अमाउंट में आप सर्वाइव करो, 5,000-4,000 रुपए में, जब काम कंटिन्यू होगा तब हम आपको पूरी सैलरी देंगे। अब ऐसे में लड़के या कोई भी है जिसकी फैमिली है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फैमिली की, पूरे घर की, अब वो कैसे मैनेज करे? बहुत बुरा हाल है। आप में से कई ढेर सारे ऐसे लोग होंगे, ना केवल आप, हम में से ऐसे कई ढेर सारे लोग हैं जो कि इस तरह से सिचुएशन में परेशान हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या और किस तरह से करें, क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल और केवल एक स्किल्स पे फुल फोकस कर लिया। वो स्किल्स कुछ ऐसे हो सकती है। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था, नोएडा का था, दिल्ली का, उसने मुझे कॉल किया था। उसने बोला कि सर मुझे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट डिटेलिंग आती है। क्या आती है? डिटेलिंग आती है। अब मेरी कंपनी मुझे बोल रही है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब आना, और ऐसा ही बोल रही है कि अगर कहीं और जॉब मिले तो कर लो। और जॉब की उसकी सैलरी कितने? 11,000 रुपए उसकी सैलरी है। वो भी कैश अमाउंट उसको पेड कर रहे हैं, कैश अमाउंट जो कि इलीगल एक तरीके से है, ठीक है? तो अब ऐसे सिचुएशन में उसका वहां से छोड़ के ही जाना बेटर रहेगा। फिलहाल मैंने उसको कुछ ट्रिक्स दिए जो भी मेरे पास थे। अब मैं बात करता हूं कि ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे आए और ऐसे सिचुएशन में भी अपने आप को कैसे थोड़े से अच्छे कंडीशन में ले आ सके, इसके बारे में कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप भी करो अगर आपको अच्छा लगे तो। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें कई ढेर सारे ऐसे लड़के हैं जो कि 19 के, 20 के, 21 बैच के आने वाले हैं। वो लोगों का क्या हाल होगा जब ये एक्सपीरियंस लोगों का ये हाल हो रहा है जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल कहीं ना कहीं लगाए हुए हैं? तो ऐसे सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो रही है और होने वाली है। तो इसमें मेरी कुछ एडवाइस है जो अगर आप फॉलो करते हो तो बेहतरीन होगा आपके लिए। पहली एडवाइस ये है दोस्तों कि अब थोड़ा सा आपको खुद भी कंपनी का ऑनर अपने छोटे से माइंड में बनना पड़ेगा। कंपनी का ऑनर मतलब आप भले ही छोटा सा काम कर रहे हो बट अब आप खुद से काम लेना स्टार्ट करो। अब लोग सर खुद से कैसे? खुद से काम इन द सेंस कि अगर हम लोग सिविल इंजीनियर है, ठीक है, ढेर सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कि मेरा बिल्डिंग सेक्टर है, मैं सारा कुछ मैक्सिम बिल्डिंग करता हूं, जिसको जिस सेक्टर का एक्सपीरियंस है उस सेक्टर में वो क्या कर सकता है? एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकता है? छोटे छोटे लेवल पे। सपोज आप एक 2020 के पास आउट है, ठीक है, या फिर 2019 के पास आउट है, कोरिलेट कर लीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से ऑटोकैड पर प्लानिंग, अच्छे तरीके से ऑटोकैड पर प्लानिंग विद वास्तु और विद रेरा के रूल्स और जो बिल्डिंग बायलॉज है उनके अकॉर्डिंग अगर आपको बनाना आ गया, अब क्या होगा? अगर आपको बहुत अच्छे से बनाना आ गया तो बेहतरीन तरीके से आप छोटे छोटे प्लानिंग्स कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। और जब प्लानिंग आ गई तो आप अगर डायरेक्ट प्लानिंग लेके किसी क्लाइंट से बात करने जाओगे कि आपके घर को मैं ऐसे बनाऊंगा, ये प्लानिंग है कुछ मेरी तरह, तो कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को चाहिए विजिबिलिटीज। आज के टाइम में जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है? तो आपको कुछ ऐसा उसको बना के दिखाना पड़े जिससे उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं यार, यू आर गोइंग टू मेक अ स्टैंडर्ड्स हाउस, स्टैंडर्ड्स अपार्टमेंट, स्टैंडर्ड्स व्हाटएवर दे आर कंस्ट्रक्शन, दे आर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। तो अब इस तरह की चीजों के लिए आपको क्या सीखना चाहिए? रेविट सीख लेना चाहिए, जिसका मैं हमेशा बोलूंगा रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर दोनों सीखना, ठीक है? क्यों? स्ट्रक्चर में डिटेलिंग्स थोड़ा सा डीप में आपको पता चल जाती है और आर्किटेक्चर के अंदर आप अच्छी से मॉडलिंग कर पाते हो। अब सपोज आपने क्या सीख लिया? ऑटोकैड सीख लिया, इससे आपको प्लानिंग आ गई। रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर सीख लिया, इससे आपको मॉडलिंग और डिटेलिंग्स आ गई। एक लास्ट टर्म बचता है, वो लास्ट टर्म का क्या होता है? वो होता है कि जो आपने कॉलम की स्पेसिंग रखी है, जो भी इनकी डेप्थ रखी है, क्या ये सही है? तो इसको चेक करने के लिए आप staad.pro एंड आरसीडीसी, staad.pro से एनालिसिस कर लीजिए, आरसीडीसी से डिजाइन एंड डिटेलिंग्स कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट वर्क आप कर सकते हैं इस तरीके से, और कंप्लीट आपको नॉलेज हो जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें हमें इसके लिए यूज में आने वाली है। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको? पहले आप ऑटोकैड को बेहतरीन कर लीजिए। बेहतरीन इन द सेंस किसी को आप डायरेक्ट प्लान दे सके इस लेवल तक,
उसके बाद रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर्स पे आप क्या करें उसकी अच्छी सी मॉडलिंग और रेंडरिंग सीख लीजिए। एकदम ए क्लास का रेंडर यूज करिए, रेंडर के लिए आप इनस्केप यूज कर सकते हैं रेविट के अंदर, उससे रेंडर की क्वालिटी बहुत हाई हो जाएगी। उसके बाद आपको सजेस्ट करूंगा स्टैड प्रो एंड आरसीडीसी। अब ये तीन स्किल्स अगर आपने सीख लिया, तीन स्किल्स मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एक है, स्टैड प्रो एंड आरसीडीसी को एक सीखना चाहिए और ऑटोकैड को एक, टोटल थ्री स्किल्स सीखना चाहिए। तो अभी इन थ्री स्किल्स पर अगर आपकी मास्टरी हो चुकी है तो आपको अब सोचना चाहिए कि मैं कैसे इसको मार्केट में लेके आऊं, मार्केट में कैसे मैं अपने आप को प्रमोट करूं जिससे कि मुझे टास्क मिलने लगे। और मैं आपको बोलूंगा कि टास्क है छोटे से स्टार्ट करो, बट धीरे धीरे इसको ऐसे ग्रो करो कि आप कंप्लीट वर्क करके दे सकोगे। चलो ये तो डिजाइनिंग हो गया, मैं एजुकेशन के लिए भी आपको बोलूंगा कुछ नहीं है, बहुत आसान स्टेप्स है, एक दो मैं बुक्स रिफर कर दूंगा उसको पढ़ लीजिए। थोड़े दिन अगर आपको लगता है किसी फ्रेंड की कोई साइट चल रही है तो एक हफ्ते 15 दिन आप वहां पर खड़े हो जाइए। आप जब कंप्लीट पैकेज करके देना स्टार्ट करेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपको आइडिया अब लगा सकते हो। जब बहुत ढेर सारे लोग प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर जाएंगे तो जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो ब्रेक होने लगेंगे, तो अब क्या होगा, जो कैपिटल एक जगह इकट्ठा हो रही थी धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगी। यही करना आज के टाइम में सोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इस समय कैपिटल इकट्ठा किया वो और बढ़ता चला जा रहा है उसका कैपिटल, अच्छे से आपको पता है इस समय गवर्नमेंट के साथ कैसे कैसे जा रहे हो आप। और उसके साथ साथ जो वहां से कम थे, मतलब जिनके पास कम था उनका और कम होता चला जा रहा है कैपिटल। इसका रीजन यही है, इसका रीजन ये है कि आप मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही कॉन्ट्रेक्टर को सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, एक ही आर्किटेक्ट को सारी डिजाइन दे रहे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पर जा चुके हैं। अब उन्होंने क्या कर रखा है, 6,000-8,000 रुपए में लोगों को रख रखा है। अब उसे 6,000-8,000 रुपए में क्या होता है आज के टाइम में, 10,000 रुपए में क्या होता है। अब इसमें बेटर यही होगा कि आप सब उनके कंपटीशन में आके छोटे 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 करके आप अपने आप को थोड़ा 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 करके बड़ा करोगे, और इससे क्या होगा, चैन टूटेगी तो कतई ना एक बड़ा सा बर्फ टूटेगा और धीरे 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 सबके लिए जितना खाने के लिए सफिशियंट है उतना बर्फ पहुंच जाएगा। ये मेरी ट्रिक से मैं इसको कर रहा हूं। इस समय अपने पास ढेर सारे लगभग इस समय 143 बच्चे हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं यही क्रिएट कर रहा हूं, क्यों क्रिएट कर रहा हूं ये इंपैक्ट, इससे ढेर सारे लोग और अपना अपना बिजनेस कर सकते हैं अपने अपने वर्क के लिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो कुछ दिन के लिए कुछ अमाउंट में जॉब कर लीजिए, बट टारगेट आप ये रखिए तो ज्यादा बेटर होगा। ये मेरी एडवाइस है और होप आपको एडवाइस अच्छी लग रही हो। मैंने इसके लिए ही अभी सब ये सब कामों को मैं और बड़े लेवल पर करने के लिए ऐप बनाना स्टार्ट किया, तो ऐप फाइनली बन गया। ठीक है, ऐप का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, यूनिक सिविल का अब ऐप भी आ गया है। मैं कोई उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको लगे कि सर की वीडियोस देखने चाहिए और इनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो आप उसको डाउनलोड करिए। अब उनके कंटेंट अभी ज्यादा नहीं डाला है क्योंकि अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ, और कुछ कंटेंट डाला है उसके बेस पे आप रिव्यू भी दे सकते हो कि सर का ऐप कैसा लगा, सो देट कि वो रैंक करेगा। तो अगर आप अच्छे काम को प्रमोट करोगे तो डेफिनेटली वो काम और अच्छे बड़े लेवल पर जाएगा। बहुत दिन बाद वीडियोस क्यों बनाया, क्योंकि बहुत से कामों में अलग अलग जिस तरह सिचुएशन था, आपको पता है किस तरह से घरों का क्या सिचुएशन था। चलिए वो सभी वीडियो तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए कोई एक पर्सनल वीडियो बनेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरी बात को ध्यान से याद रखना, जिसके पास स्किल्स है आज के टाइम में वही किंग है, जिसके पास स्किल्स है वही किंग है, और वो आराम से लैपटॉप पे बैठ के डिजाइन कर करके अर्निंग कर रहा है, चाहे फिर वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो चाहे एस्टिमेशन हो चाहे, हाँ एस्टिमेशन से याद आया कि रेविट जब सीखना तो रेविट में रेविट एस्टिमेशन भी सीखना। मैं अपने हर एक कोर्स का सिलेबस आपको यहाँ पर दे दूंगा, उसको भी आपको देखना होगा देखना, लेकिन सीखो तो सारा कंटेंट जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए कि प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करना है। अगर ये नहीं आया तो आपका सीखना व्यर्थ है, क्योंकि प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए वन सेकेंड।